भिवाड़ी में बाईपास मार्ग पर इंडस्ट्रियल एरिया का केमिकल युक्त प्रदूषित पानी भर जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उधर शालीमार सोसाइटी में लाखों गैलन प्रदूषित पानी भर गया। यहां एक घंटे की बारिश ने भिवाड़ी प्रशासन की पोल खोल दी। भगत सिंह कॉलोनी के आसपास की सोसाइटी में जल भराव के चलते गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही थी। वार्ड पार्षद हवा सिंह दायमा के घर में भी गंदा पानी घुस गया। उधर तमाम वरिष्ठ अधिकारियों एवं बीएमए अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने मौके का जायजा लिया। किस चीज की दुकान है? मोबाइल की दुकान है, आपको दिखाई अभी थोड़ी देर पहले, और ये अपनी खेमी मॉडिफाई दुकान है। ठीक है, यहाँ देखो ये पानी का क्या हाल चाल है। ये है राजस्थान सरकार का हाल। अब की बार राजस्थान में कांग्रेस नहीं आनी चाहिए अगर इसका समाधान ना हो तो। कांग्रेस सरकार को लेकर आप क्या कहोगे? मैं यही कहूंगा इसका कोई भी सरकार समाधान निकाला नहीं। अब की बार सरकार गई, गत्ते से गई 2024 में। क्या नाम है साहब? मेरा नाम कंचन राउत। कहाँ के हो? बिहार का लाइसेंस है सर। बिहार का लाइसेंस है। पिकअप चला रहे हो? हाँ जी। तो इस पानी में गिर गया? हाँ, पानी में गिर गया सर। कब? अभी जस्ट कैसे बाहर निकला हूँ सर। ड्राइविंग लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पैसा है सर जी उसमें। गंदा पानी का प्रशासन लेके जो आप मीटिंग ली है, एक्चुअली ये कहा गया कि इंडस्ट्री में पानी छोड़ दिया, जबकि ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री का पानी तो बहुत कम है, 4 ml ही पानी है, और वो हम अपने CPT में ले रहे हैं ट्रीट करने के लिए। CPT में आज के दिन 18 ml पानी आ रहा है 24 घंटे में। अब CPT की इतनी कैपेसिटी 9 ml से ज़्यादा है नहीं, तो पानी और लोगों के बाहर ही जा रहा है। ये है इंडस्ट्री की तरफ से, और जो आज पानी कॉलोनी में गया है वो बिल्कुल गलत बात है, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हमारे पास कोई उसका विकल्प नहीं है कि हम पानी को रोक सकें। सर, आपको क्या आश्वासन दिया है प्रशासन ने समाधान के लिए? समाधान के लिए प्रशासन को अवगत करा दिया है, और प्रशासन उस टीम पे जुट गई है कि कोई ना कोई समाधान निकलेगा।